नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छपरा जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का बजा डंका। बिहार इंटर परीक्षा 2024 पंजीकरण की तारीख बढ़ी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 सर्वे में बिहार इतने नंबर पर। ऋषभ की वापसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छपरा जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कई लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी लिया है। इसी कड़ी में अब इस मामले में दवा से शराब निर्माण करने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। गिरफ्तार हुए इस मास्टरमाइंड का नाम राम बाबू बताया जा रहा है, जिसका उम्र 35 वर्ष है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसने पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अब तक कुल 150 से ज्यादा धंधेबाजों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिला एक नया संक्रमित। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 47,314 कोरोना जांच किए गए, जिसमें एक नए केस सामने आए हैं जो अरवल का है। इसके अलावा एक मरीज दरभंगा, 2 पटना और 19 मरीज गया के है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 98.552% है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका जीनोम सिक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का बजा डंका। बिहार के नगर निकाय चुनाव में राज्य के 17 नगर निगमों में से 16 शहरों की कमान महिलाओं के द्वारा संभाली जाएगी, जबकि महिलाओं के द्वारा जो सीट रिजर्व की गई थी वे केवल 9 सीटें थी, लेकिन महिलाओं ने कुल 16 सीटों पर अपना वर्चस्व कायम किया है। बता दें कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर जिन शहरों में महिलाएं मेयर बनी है, उनमें छपरा, बिहार शरीफ, मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सीतामढ़ी शहर शामिल है। वहीं वो एक सीट जहां महिला मेयर नहीं बन पाई है, वो शहर केवल गया शहर है। इसके अलावा 27 नगर पंचायतों में महिलाएं मुख्य पार्षद बनी है, जबकि 20 महिलाओं को जनता ने उप मुख्य पार्षद बनाया है। बिहार ने कबड्डी में रचा इतिहास। बिहार ने 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। बता दें कि 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने फाइनल में नया इतिहास रचते हुए कबड्डी के बादशाह कहे जाने वाले हरियाणा को 49-47 से पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया है। यह कबड्डी चैंपियनशिप झारखंड के बोकारो में संपन्न हुआ है। बताते चले कि इस मैच के पहले हाफ में बिहार टीम 19-31 से पीछे चल रही थी, जिसके बाद दूसरे हाफ में खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और अंत में पास आप पलट दिया। बिहार की इस जीत पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविनंदन शंकरन ने सभी खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। बिहार इंटर परीक्षा 2024 पंजीकरण की तारीख बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब दिनांक 7 जनवरी 2023 तक विस्तारित अवधि में विलंब शुल्क के साथ किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। वहीं जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क जमा नहीं हो पाया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क दिनांक 7 जनवरी 2023 तक जमा कराते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 सर्वे में बिहार इतने नंबर पर। AISHE सर्वे 2022-23 यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए चल रहे सर्वे में बिहार ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। दरअसल इस सर्वे के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को पंजीयन कराना होता है, जिसमें बिहार की ओर से अब तक 20% शिक्षण संस्थान के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। हालांकि अब देश के किसी भी राज्य के द्वारा इस सर्वेक्षण में विशेष प्रदर्शन नहीं दिखाया गया है। इसके बाद भी अगर बिहार की स्थिति की बात की जाए तो यह काफी संतोषजनक है। बता दें कि बिहार के सभी पड़ोसी राज्य इस सूची में बिहार से काफी पीछे है। वहीं ऑनलाइन हो रहा यह सर्वेक्षण 20 जनवरी 2023 तक चलेगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को कहा गया है कि वे जल्द से जल्द इस सर्वे में अपना पंजीयन करवा ले। BSEB इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा इस तारीख से होगी शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख को घोषित कर दी गई है। घोषित की गई तारीख के अनुसार इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा
एडमिट कार्ड भी स्कूलों में वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही वैसे विद्यार्थी जिनकी गिनती दिव्यांग विद्यार्थियों की श्रेणी में की जाती है उन्हें अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थियों के बैठने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर व्यवस्था करवाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में कुल 13 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। बिहार में शीतलहर को लेकर विभाग ने किसानों को किया अलर्ट। बिहार में ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कृषि विभाग के द्वारा बिहार के किसानों को शीतलहर के लिए अलर्ट किया गया है। दरअसल जिन किसानों को अलर्ट किया गया है उनमें सरसों, अरहर और आलू लगाने वाले किसान शामिल है। दरअसल फूल वाले पौधे जैसे सरसों व अरहर के पौधों में लाही न लग सके इसके लिए दवा का छिड़काव करने को कहा गया है जिससे फसल सुरक्षित रहे। इस बात की जानकारी पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा दी गई है। वहीं पौधा संरक्षण विभाग के केंद्र प्रभारी रजत कुमार शाह के अनुसार अगर फूल वाले पौधों पर क्लोरोपाइरीफोस और डाइथन M45 दोनों को मिलाकर मात्रा अनुसार छिड़काव किया जाए तो लाही और फूल मरने की शिकायतों को खत्म किया जा सकता है। पटना से इन जिलों के लिए चलेगी स्पेशल सुविधा युक्त बस। जल्द ही बिहार की राजधानी पटना से कई जिलों के लिए स्पेशल सुविधा युक्त बस की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इस बस की सेवा यात्रियों के बढ़ने पर विस्तार की जाएगी। वहीं जिन जिलों के लिए पटना से ये बसें चलेंगी उनमें नरकटियागंज शामिल है जो मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली होते हुए जाएगी और आएगी। इसके अलावा जल्द ही इस बस सेवा की शुरुआत समस्तीपुर के लिए भी की जाएगी। फिलहाल इस दिशा में परमिट के लिए कार्रवाई चल रही है। वहीं अभी जिन जिलों में सुविधा युक्त बस का परिचालन किया जा रहा है उनमें पटना से दरभंगा, मधुबनी, भेजा, छपड़ा, टाटा, लखनऊ के लिए हो रहा है। बिहार में बिना वीजा के 3 साल से रह रही चीनी महिला को भेजा जाएगा वापस। कुछ दिनों पहले बिहार के बोधगया से एक चीनी महिला की गायब होने की खबर सामने आई थी जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि वह बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी कर रही थी। हालांकि बाद में उस महिला के खिलाफ जब जांच पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई है कि वह चीनी महिला वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में जानबूझकर रह रही थी। वहीं अब इस मसले पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक JS गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस चीनी महिला को वीजा उल्लंघन के बाद भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस महिला पर कभी जासूसी का संदेह नहीं रहा है। बिहार के बोधगया में दलाई लामा के प्रवचन में अरुणाचल प्रदेश के सीएम हुए शामिल। बिहार के बोधगया में दलाई लामा के प्रवचन में अरुणाचल प्रदेश के सीएम हुए शामिल। आज बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कालचक्र मैदान में आयोजित टीचिंग कार्यक्रम का तीसरा दिन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के इस टीचिंग कार्यक्रम को 15 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के तीसरे दिन श्रद्धालुओं को बोधिसत्व की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद कालचक्र मैदान में दलाई लामा के लंबी उम्र के लिए पूजा की जाएगी। इस बात की जानकारी तिब्बती पूजा समिति ओम जी बाबा के द्वारा दी गई है। जीतन राम मांझी ने शराब को लेकर की बड़ी मांग। बिहार के पूर्व सीएम और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनका जन्म उस घर में हुआ है जहां शराब बनता और बिकता था, पर मैंने शराब कभी नहीं पिया है। बिहार में शराबबंदी अच्छी बात है लेकिन इसे लागू करने में गड़बड़ियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस गरीबों को जेल भेज रही है लेकिन जो बड़े लोग हैं उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया जा रहा है। गुजरात में भी शराबबंदी लागू है लेकिन वहां से इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आती। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह गुजरात में परमिट के साथ लोगों को शराब मिलती है उसी तरह बिहार में भी शुरू की जानी चाहिए और साथ ही जिन गरीब लोगों को शराबबंदी के मामले में फंसा कर जेल भेजे गए हैं उन्हें पैरवी कर जेल से छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नमामि गंगे कार्यक्रम में केंद्र के सामने रखी मांग। बीते दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नमामि गंगे कार्यक्रम में बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। इस बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। उन्होंने कहा कि गंगा में गाद की समस्या सबसे बड़ी है इसलिए इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि गाद को रोका जाए और इसके लिए गाद नियंत्रण पॉलिसी बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा पर बने बांध की वजह से बिहार में पानी का विस्तार काफी अधिक होता है जिस वजह से कई बार बाढ़ जैसी समस्याएं बिहार के लोगों को झेलनी पड़ती है। हमारे बिहार में STP और दूसरी योजनाओं पर अच्छा काम चल रहा है। बिहार का प्रदर्शन काफी अच्छा है। ऋषभ पंत की वापसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार यानी कि 30 दिसंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज और IPL 2023 के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। दरअसल रुड़की के हाईवे के पास झपकी लगने से पंत की कार डिवाइडर से टकराई और यह हादसा हुआ। पंत के इस हादसे के बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में शिफ्ट कराया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर और पैर में ज्यादा चोटें लगी हैं और वो खतरे से बाहर है। ऐसे में उनके इलाज के लिए जिम्मेदारी BCCI की मेडिकल टीम ने अपने ऊपर ले ली है।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.46 रुपए और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.09 रुपए और डीजल 94.79 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.49 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.28 रुपए और डीजल की कीमत 94.99 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.36 रुपए और डीजल की कीमत 95.08 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शिवम कुमार, राधा कृष्णा प्रसाद, रोशन राजगुप्ता, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, रूबी परवीन, सचिन कुमार, नन्नू गोलू कुमार, रूनी देवी, आनंद कुमार, बाबूलाल मरांडी, परमात्मा सिंह, रेखा कुमारी, मृत्युंजय कुमार, नीलेश आर्यन। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी की जो मांग है वह कितनी जायज है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।